Hello friends, myself Vishakha and today is the second lecture, okay, on SFD and BMD. पहले लेक्चर में हमने देखा था, ब्रीफ देखा था कि जिसमें हमने बीम क्या रहता है, विच इज़ द स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू अ फोर्सेस एंड इट्स बेंडिंग मोमेंट, और उसके बाद में हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ बीम्स एंड टाइप्स ऑफ लोड्स, टाइप्स ऑफ बीम एंड टाइप्स ऑफ लोड्स, ये दोनों के अलग अलग कॉम्बिनेशन लेके क्या होता है, न्यूमेरिकल्स बनते हैं बीम के. अब हम आज देखने जा रहे हैं कि इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है उसमें हमें बीम जो है, दिस इज़ द स्ट्रक्चरल मेंबर है, ये हमें मालूम है. तो बीम का क्या है, इसके ऊपर जितना लोड लगेगा, जितना लोड या फोर्स उसके ऊपर रहेगा, उतना ही उसका क्या मिलेगा आपको, रिएक्शन मिलेगा. जितना फोर्स ये बीम के ऊपर ऊपर से लगने वाला है, उतना ही रिएक्शन आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ से नीचे से मिलने वाला है. तभी जाके ये बीम रहेगा इक्विलिब्रियम कंडीशन में. ये बहुत ज़रूरी है. अब इक्विलिब्रियम कंडीशन यानी क्या रहता है कि आप बीम एक स्ट्रक्चरल मेंबर बोल के यूज़ कर रहे हो. सपोज़ एक फ्लाइंग ये है, समझो आप क्या बोल सकते हो उसको, समझो फ्लाईओवर है और उसके ऊपर बीम डाले हुए. अब उसके ऊपर बहुत सारे व्हीकल्स पास होने वाले हैं, उसके ऊपर जो फोर्स लगता है, ऊपर से जो लोड रहेगा, उतना ही रिएक्शन उसको नीचे से देना पड़ेगा, तो वो इक्विलिब्रेट हो पाएगा और वो सस्टेन कर पाना चाहिए उतना ही लोड. तो इसलिए यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू रिएक्शन जब तक आता है, तब वो बीम हमें क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में मिलेगा. अब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन कब सेटिस्फाई होती है, तो सम ऑफ ऑल हॉरिजेंटल फोर्सेस दैट इज इन एक्स डायरेक्शन फोर्सेस इट इज इक्वल टू जीरो, सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस दैट इज इन वाई डायरेक्शन वेदर इट इज अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस इट शुड बी जीरो, एंड द सम ऑफ ऑल मोमेंट्स एट एनी पॉइंट ऑफ द बीम मस्ट बी जीरो. मोमेंट यानी क्या है, मोमेंट दो चीज़ें कर सकती है, उसको बेंडिंग में कन्वर्ट कर सकती है. अब अगर ये बीम बेंड हो गया या एक्स या वाई डायरेक्शन से वो शियर हो गया तो वो सेफ नहीं रहेगा. इसीलिए ये अगर तीनों जीरो रहते हैं तो इट मीन्स दैट बीम इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, और वो हम सेफ, ये क्यों लेना है, रिएक्शन क्यों कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमें इसका सेफ डिज़ाइन बनाना है. यू हैव टू चूज़ द मटेरियल, यू हैव टू चूज़ द डायमेंशन एंड उसको डिज़ाइन करना है कि ये बीम इस इतने फोर्स के लिए यहाँ पे लगने वाला है. ऐसे ही स्ट्रक्चर्स डिज़ाइन किए जाते हैं, इसलिए जो कुछ एक्सीडेंट होते हैं आपने देखा होगा, तो उसमें क्या रहता है कि डिज़ाइन, ये एक डिज़ाइन पैरामीटर इज वन ऑफ द पैरामीटर्स. उसके बाद में बारिश हो सकती है, कुछ सीमेंट या अदर मटेरियल जो यूज़ किया जाता है वो भी ख़राब हो सकता है. तो ये सब सारी चीज़ें मिला के अगर कुछ एक्सीडेंट होता है तो ऐसे हो सकता है. तो वन ऑफ द पार्ट इज़ द डिज़ाइन ऑफ बीम. तो डिज़ाइन ऑफ बीम करने के लिए उसके ऊपर कितना लोड लगने वाला है, तो उसके उस हिसाब से हम उसको क्या करने वाले हैं, डिज़ाइन करने वाले हैं. तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहना चाहिए. यानी क्या है कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन और हॉरिजेंटल डायरेक्शन शुड बी जीरो, वर्टिकल डायरेक्शन सम ऑफ ऑल फोर्सेस शुड बी जीरो, एंड बेंडिंग मोमेंट एट एनी पॉइंट. ये कोई भी पॉइंट लो आप, और ये पॉइंट पे कोई भी मोमेंट आप लो, तो वो मोमेंट क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए. अब इसके लिए हम जो साइन कन्वेंशन लेते हैं, जनरली बीम के ऊपर वर्टिकल और हॉरिजेंटल फोर्सेस आते हैं, जनरली बीम के ऊपर वर्टिकल और हॉरिजेंटल फोर्सेस आते हैं, तो हम सम ऑफ एफ वाई के लिए साइन कन्वेंशन जो लेने वाले हैं, हम लेते हैं अपवर्ड पॉजिटिव और डाउनवर्ड क्या लेंगे, निगेटिव. ये साइन कन्वेंशन रहेगा सम ऑफ एफ वाई के लिए. एफ एक्स फोर्स जनरली नहीं आते हैं, लेकिन ये जो राइट की तरफ जाते हैं उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, लेफ्ट की तरफ जाते हैं वो निगेटिव लेते हैं, लेकिन एस एफ डी बी एम डी में ये जनरली आपको आएगा नहीं. उसके बाद क्योंकि ये पैरेलल टू बीम रहता है तो ये नलीफाई हो जाता है. उसके बाद में मोमेंट के लिए हम क्या लेते हैं, जनरली अगर क्लॉकवाइज मोमेंट रहता है तो उसको हम लेते हैं पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट रहता है तो उसको हम लेते हैं निगेटिव. ये ऐसे ही साइन कन्वेंशन आपको फॉलो करने हैं जब आपको ये रिएक्शन फाइंड आउट करना है. हमें क्या
निकालना पड़ेगा पहली स्टेप, कैलकुलेट द रिएक्शन। तो रिएक्शन के लिए हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है। इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए हम ये दो चीज़ें ज़्यादातर यूज़ करते हैं, सम ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो, अपवर्ड डायरेक्शन फोर्सेस आर पॉजिटिव, डाउनवर्ड आर निगेटिव, एंड द सम ऑफ मोमेंट एट एनी पॉइंट इक्वल टू जीरो, क्लॉक वाइज मोमेंट विल बी पॉजिटिव एंड द एंटी क्लॉक वाइज मोमेंट विल बी निगेटिव। ये हो गया आपका बीम का इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, दैट इज एस एफ डी एंड बी एम डी। अब बोलेंगे आप ये एस एफ डी एंड बी एम डी, यानी ये बीम तो है लेकिन इसके लिए शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट क्या है, ये डायग्राम क्यों निकालना है हमें, ठीक है। तो इसके लिए क्या रहता है, हम बीम के हर एक फोर्स जहाँ आ रहा है वहाँ पे कितना शेयर फोर्स आएगा और कितना बेंडिंग मोमेंट आएगा, इसका हम कैलकुलेशन करने वाले। जिस पॉइंट पे फोर्स आ गया वहाँ पे शेयर फोर्स चेंज हो जाता है, बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू भी चेंज हो जाता है यहाँ पे। तो हम इसलिए कैलकुलेशन करना है और वो दिखाना पड़ेगा हमें एस एफ डी और बी एम डी। तो एस एफ डी क्या है, वॉट इज एस एफ डी, एस एफ डी इज द सम, एस एफ डी इज द अल्जेब्रिक सम ऑफ all forces either left hand side or right hand side of beam। यानी कोई भी beam रहता है तो उसके calculation के लिए क्या करते हैं, either हम left से देखना शुरू करेंगे या right से देखना शुरू करेंगे। हम numerical में देखेंगे हमें exactly कहाँ से देखना है, sign convention हर बार बदलते हैं, इसलिए अगर आप left से देख रहे हैं तो उसके अलग साइन कन्वेंशन रहेंगे, या आप राइट से देख रहे हैं तो उसके अलग साइन कन्वेंशन रहेंगे। अब यहाँ पे एस एफ डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि कोई भी पॉइंट, सपोज ये सेक्शन लिया है, ये पॉइंट आपने लिया है, तो ये पॉइंट को आप आइदर लेफ्ट से देखेंगे या राइट से देखेंगे, दोनों में से एक ही साइड से देखना है। तो इसका हम क्या करेंगे, अल्जेब्रिक साइन, अल्जेब्रिक सम लेंगे ये पूरे फोर्सेस का, तो दैट विल बी द शेयर फोर्स ऑफ दैट पॉइंट, ऐसा हम उसके शेयर फोर्स के कैलकुलेशन करेंगे। क्यों, क्या रहता है कि ये जो फोर्स यहाँ पे एक्ट हो रहा है बीम के ऊपर, ये दो तरीके से काम करता है। देखो सपोज ये बीम है, ये बीम को यहाँ पे सिंपली सपोर्ट दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे ये फोर्स काम कर रहा है एक W बोल के। तो ये फोर्स दो तरीके से काम करता है, आइदर ये अगर फोर्स ज़्यादा रहेगा तो ये बीम को यहाँ से कट कर देगा, बीम को यहाँ से क्या कर देगा, कट कर देगा। सो इट इज़ नोन एज शियर फोर्स, इसको क्या बोलेंगे हम, शियर फोर्स, ये भी कैलकुलेट होता है। और दूसरा इफेक्ट ये होता है ये फोर्स का, ये पहला इफेक्ट है शियर फोर्स, इसलिए हम शियर फोर्स निकालने के लिए वो पॉइंट का क्या करेंगे, आइदर फ्रॉम लेफ्ट साइड और राइट साइड हम उसको क्या करेंगे, सब फोर्सेस का सम लेंगे। अब बेंडिंग मोमेंट, दूसरा जो इफेक्ट होता है ये लोड का, इसमें क्या रहता है कि बेंडिंग मोमेंट, ये यहाँ पे सिंपल सपोर्ट है और रिएक्शन है, जितना ये लोड है उसका हाफ हाफ रिएक्शन यहाँ पे रहेगा, क्योंकि क्योंकि दिस वन फोर्स इज इक्वल टू रिएक्शन, जितना फोर्स है उतना ही रिएक्शन अगर रहता है, तो इट मीन्स दिस बीम इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब ये होने के बाद इसका जो लोड का पहला इफेक्ट हमने देखा शियर फोर्स, उसका कैलकुलेशन हम देखेंगे। उसके बाद में बेंडिंग मोमेंट, दूसरा इफेक्ट होता है इसका बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट यानी क्या, कि ये बीम इस तरीके से क्या हो सकता है, बेंड हो सकता है ये फोर्स की वजह से, ये जो लोड इस पे अप्लाई किया गया है, तो दूसरा इफेक्ट है ये बेंडिंग मोमेंट, तो ये बेंडिंग भी नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें डिज़ाइन करते वक्त ये बीम को मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के ऊपर डिज़ाइन करना पड़ता है। तो ये बेंडिंग मोमेंट हमें हर एक फोर्स, यहाँ पे फोर्स है तो यहाँ से सबसे ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट होना चाहिए, यहाँ पे सपोर्ट है तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कम होगा, इसलिए ये हर एक पॉइंट जहाँ पे फोर्स अप्लाई होता है वहाँ पे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के वैल्यूज या मैग्नीट्यूड चेंज होते रहते हैं। तो वो हमें कैलकुलेट करने हैं विद द हेल्प ऑफ एस एफ डी एंड बी एम डी कैलकुलेशंस एंड डायग्राम, और शो करने हैं वो डायग्राम में। अब ये जो बी एम डी है, बी एम डी यानी क्या रहेगा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिमिलर एज अ एस एफ डी, हम क्या बोल सकते हैं, इट इज ऑल्सो अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल मोमेंट्स ऑफ फोर्स, ये मोमेंट्स किसकी वजह से हो रहा है, फोर्स की वजह से, तो ऑल मोमेंट्स ऑफ फोर्सेस
either LHS or RHS side, right hand side of beam. यानी ये bending moment भी हमें either left से लेने हैं या right से लेने हैं, वो point के लिए कितने bending moment आता है वो लेना है, वो calculate करना है, और उसके बाद में वो जो calculations आएंगे उस हिसाब से हर एक point पे हमें SFD BMD का diagram draw करना है. अब ये जो फोर्स है यहाँ पे एक ही है, इसलिए ये सिंपल यहाँ पे दिखाया गया है. ऐसे नंबर ऑफ फोर्सेस बहुत हो सकते हैं, तो उस हिसाब से SFD BMD भी चेंज होता चला जाएगा हर एक बीम के लिए. ठीक है, तो ये हो गया आपका SFD और BMD का कंसेप्ट. अब सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें है वो है साइन कन्वेंशन. तो आपको जो दे रहे हैं वही साइन कन्वेंशन, एक ही वीडियो जो देख रहे हैं उसका ही फॉलो करो. तो देखो अभी साइन कन्वेंशन दे रही हूँ मैं. This is the most important part. Start SFD BMD start करने से पहले sign convention बहुत important है. अब ये sign convention में क्या रहता है देखो, हमें दो जगह sign convention लगेंगे. एक रहेगा SFD के time पे, दूसरा लगेगा BMD के time पे. ठीक है, अब हमने सबसे पहला जो स्टेप किया था उसमें हमने कैलकुलेट क्या किए थे, रिएक्शंस कैलकुलेट किए थे. रिएक्शंस कैलकुलेशन में हमने देखा था सम ऑफ FY इक्वल टू ज़ीरो, और उसमें हमने साइन कन्वेंशन लिया था अपवर्ड पॉजिटिव और डाउनवर्ड नेगेटिव, ये कैलकुलेशन लिया था. उसके बाद में हम मोमेंट लेने वाले हैं रिएक्शन के लिए ही, मोमेंट एट एनी पॉइंट इक्वल टू ज़ीरो. उसमें हम नॉर्मली क्या करते हैं, क्लॉकवाइज मोमेंट रहता है तो पॉजिटिव लेते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट रहता है तो हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं. दीज आर द जनरल साइन कन्वेंशन. अब ये साइन कन्वेंशन SFD BMD के लिए थोड़े चेंज होते हैं, वो कैसे देखो. SFD के लिए हम क्या करते हैं, सेक्शन को हम बीम को किस तरफ से देखने वाले हैं उस हिसाब से साइन कन्वेंशन चेंज होता है. बीम को हम राइट साइड से भी देख सकते हैं और लेफ्ट साइड से भी देख के आ सकते हैं, लेकिन हर बार आपको देखना है यू शुड बी कैलकुलेट फ्रॉम राइट साइड, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड बीम ऐसा है कि आप लेफ्ट राइट दोनों से कहीं से भी देख लो आपके कैलकुलेशन ठीक आ जाएंगे, लेकिन कैंटिलीवर है, ओवर हैंगिंग है, तो वो बीम का क्या रहता है कि साइन कन्वेंशन फिर से लेफ्ट राइट ऐसे लेने पड़ते हैं, वो चेंज हो जाते हैं बार बार. तो इसलिए आप कहीं से भी मत लेना है, हर बार बीम का कैलकुलेशन करने के लिए आपको शुरुआत करनी है आपको राइट हैंड से, और राइट हैंड से आप कहाँ तक जाएंगे, लेफ्ट की साइड तक जाएंगे बीम में, ये ध्यान में रखो. और राइट साइड के लिए आपके साइन कन्वेंशन जो रहेंगे वो रहेंगे, सपोज ये सेक्शन है XX. देखो हर बार सेक्शन देना पड़ता है बीम में, क्यों, क्योंकि ये बीम है, ये बीम में यहाँ पे एक सपोर्ट्स है, सपोज रिएक्शन RA एंड RB, और यहाँ पे क्या है, लोड है ये W. ठीक है, अब ये लोड के सेक्शन लेके मुझे शेयर फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी हर एक ये पॉइंट पे अलग शेयर फोर्स, ये पॉइंट पे अलग शेयर फोर्स, ये पॉइंट पे अलग शेयर फोर्स. जिस जगह पॉइंट बीम में दिए हुए हैं वहाँ पे आपको शेयर फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, बेंडिंग मोमेंट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा. शेयर फोर्स के लिए क्या चीज़ रहती है कि आपको ये साइड में शेयर एक सेक्शन, वो फोर्स जहाँ पे है उसके राइट साइड में लेना पड़ता है, और दूसरा सेक्शन वो फोर्स के लेफ्ट साइड में लेना पड़ता है. तो हर बार हम ऐसे मूव करेंगे, यहाँ पे एक सेक्शन आप जो पॉइंट है उसके राइट साइड में लेंगे और एक सेक्शन उसके लेफ्ट साइड में लेंगे, लेकिन देखते वक्त कहाँ देखेंगे, हर बार वो सेक्शन के राइट साइड में. हर बार कहाँ देखना है, राइट साइड में देखना है आपको, ये ध्यान में रखो. जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये तकनीक समझ में आ जाएगी. अब यहाँ पे राइट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे एग्जैक्टली इसका उल्टा साइन कन्वेंशन आप करेंगे. ये डिप्लोमा और BE लेवल के लिए इतना साइन कन्वेंशन काफ़ी रहता है, एडवांस स्टडी के लिए ये क्यों ऐसा है, ये SFD के लिए आपको ज़्यादा क्लियर करना पड़ता है. अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर ये अपवर्ड राइट साइड में है तो राइट साइड में अगर डाउनवर्ड फोर्स रहता है तो उसको क्या करेंगे, आप पॉजिटिव करेंगे, और ये अपवर्ड फोर्स रहता है तो उसको आप क्या करेंगे, नेगेटिव करेंगे, यानी ये इसके टोटली अपोजिट रहेगा. ठीक है, शेयर फोर्स डायग्राम में आप ऑलवेज देखेंगे राइट साइड, राइट साइड के सेक्शन में
आप सेक्शन के अगर लेफ्ट साइड के जो फोर्सेस है वो अगर डाउनवर्ड है तो उसको पॉजिटिव करेंगे, अपवर्ड है तो उसको क्या करेंगे, नेगेटिव करेंगे। अब यही सेक्शन ये, इसके बाद बीएमडी के लिए क्या करेंगे आप कि सपोज यहाँ पे बीएमडी तो एट ए पॉइंट लिया जाता है, बीएमडी के लिए कुछ लेफ्ट राइट ना रहता है, हम ये पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट लेने वाले हैं, तो बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या रहेगा, इसका अपोजिट है। यहाँ पे क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया जाता है तो यहाँ पे क्या लिया जाएगा, जो एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज यानी दिस वन, ये एंटी क्लॉकवाइज जो है उसको पॉजिटिव लिया जाएगा और क्लॉकवाइज जो है उसको क्या लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। अब ये ऐसा क्यों है, देखो ये क्यों है, क्योंकि सपोज ये बीम है, अब मैंने यहाँ पे बीम निकाला है, ठीक है, अब ये बीम को मैं क्लॉकवाइज मूवमेंट फोर्स से दे रही हूँ, सपोज ये बीम को यहाँ से क्या मिल रहा है, ऐसा एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट मिल रहा है, ठीक है। अब ये एंटी मैं देख रही हूँ कहाँ से, राइट साइड से, देखो मैं यहाँ से नहीं देख रही हूँ, दूसरा मूवमेंट यहाँ से भी रहेगा, देखो ये ऐसा भी रहता है, लेकिन मैं लेफ्ट से नहीं सोच रही हूँ, मैं कहाँ से सोच रही हूँ, राइट से। अब राइट में ये कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, अब ये मोमेंट की वजह से ये बीम का शेप कैसे हो जाएगा, दिस वन, होगा कि नहीं होगा, होगा। सो दिस इज कॉल्ड एज सैगिंग, इसको क्या बोलते हैं, सैगिंग, ठीक है। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, सैगिंग यानी आपके मोबाइल में जो इमोजी आते हैं उसको हम स्माइली बोल सकते हैं, ठीक है। तो स्माइली इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव साइन, तो इसलिए हम इसको क्या लेते हैं, हर बार पॉजिटिव, तो इसलिए ये एंटी क्लॉकवाइज क्या रहेगा, आपका पॉजिटिव रहेगा। जैसे कि मैंने ये बीम बताया है आपको, सपोज कंसिडर इज, इमेजिन करो कि ये बीम है, अब ये बीम को क्या किया है आपने, इस तरीके से मोड़ा है, इस तरीके से, ठीक है। तो आप आपके राइट साइड में देखो, राइट साइड में मैंने इसको कैसा किया है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट में किया है, मैं राइट साइड का ही साइन देखने वाली हूँ, लेफ्ट में इसको ऑलरेडी वो लेफ्ट में हो जाएगा क्लॉकवाइज आपकी तरफ से, लेकिन मैं कैलकुलेट कहाँ से कर रही हूँ, आपकी राइट साइड से, तो इसलिए मैंने ऐसा कर दिया, तो ये क्या हो गया, स्माइली, दिस इज कॉल्ड एज द सैगिंग, इसको सैगिंग बोलेंगे। तो सैगिंग में मैंने राइट साइड कंसिडर करना है, तो राइट साइड में सैगिंग आने के लिए मैंने ये बीम को कैसे मोड़ा है, इट इज़ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आपकी तरफ से देखे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इसलिए ये सैगिंग रहता है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए हम उसको क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। अब इसी के अलावा ये नेगेटिव क्यों है, ये जो है ये एंटी क्लॉकवाइज जो रहेगा ये रहेगा पॉजिटिव और ये क्लॉकवाइज नेगेटिव रहेगा। अब क्लॉकवाइज नेगेटिव क्यों रहेगा, देखो सपोज ये बीम है, बराबर है, मैं देख रही हूँ ये मेरे राइट साइड में, अब राइट साइड में क्या है, इसको ये क्लॉकवाइज अगर घुमाना है तो मुझे फोर्स कैसे लगाना पड़ेगा, दिस वन, ये ऐसे मुझे उसको करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो ये ऐसा हो गया, ये साइड तो ऐसे करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज आ गया, लेफ्ट साइड में एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, लेकिन मैं लेफ्ट साइड कंसिडर नहीं कर रही हूँ, मैं कौन सी कंसिडर कर रही हूँ, राइट साइड, क्योंकि राइट साइड से मैं कैलकुलेशन करने वाली हूँ, तो राइट साइड में ये फोर्स कैसा आ रहा है, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन जब आएगा तो इसका मोमेंट कैसा हो रहा है, दिस टाइप, तो दिस इज कॉल्ड एज हॉगिंग, इसको क्या बोलेंगे, हॉगिंग। और आपके इमोजी में तो ये तो रोता चेहरा है भाई, तो रोना है तो नेगेटिविटी है, इसका मतलब यह क्या आएगा, आपका नेगेटिव आएगा, है क्लॉकवाइज फोर्स लेकिन ये शायद इसका साइन क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, तो इसका मतलब है। अब देखो ये अगर ये बीम्स कंसिडर करते हैं तो आपके राइट साइड में देखो, राइट साइड में इसको अगर देखो, लेफ्ट में भी वही इफेक्ट आएगा, लेकिन हम राइट से कैलकुलेशन करने वाले हैं, इसलिए अगर देखें तो देखो मैं इसको हॉगिंग में इसको कन्वर्ट कर रही हूँ, अब हॉगिंग में इसकी रोती सूरत हो गई है, बराबर है। अब हॉगिंग में करने के लिए मुझे आपका राइट साइड का पोर्शन कौन से इसमें घुमाना पड़ा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन इसका इफेक्ट क्या हो रहा है, हॉगिंग हो रहा है, तो इसका मतलब इट इज़ नेगेटिव, तो इसलिए राइट साइड का अगर क्लॉकवाइज रहता है तो वो क्या आएगा, नेगेटिव। तो ये किसके साइन कन्वेंशन रहेंगे, आपके बीएमडी के साइन कन्वेंशन रहेंगे। तो ये बीएमडी के साइन कन्वेंशन भी आप देखेंगे तो हमने जो रिएक्शन के लिए लिए थे उसके बिल्कुल उल्टे हैं, तो ध्यान में रखने के लिए भी इजी है। ये सैगिंग हॉगिंग अगर ध्यान में रख लिए तो ये आ जाएगा, एक कोई तो भी ध्यान में रखो उसके अपोजिट यहाँ पे ले लो, ये तो नॉर्मल है, हम जो मैकेनिक्स से हम यूज़ करते चले आए हैं,
सम एफ आई के लिए अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड निगेटिव, लेकिन एस एफ डी के लिए हम क्या करेंगे, राइट साइड से देखने वाले हैं, इसलिए हम उसको अपवर्ड निगेटिव लेंगे और डाउनवर्ड पॉजिटिव लेंगे। उसके बाद में बी एम डी के लिए जनरली हम क्लॉक वाइज पॉजिटिव लेते हैं, एंटी क्लॉक वाइज निगेटिव लेते हैं, लेकिन बी एम डी में जो कंसिडरेशन है वो सैगिंग और हॉगिंग का है। ठीक है, तो सैगिंग और हॉगिंग का है, इसका मतलब जब यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट रहेगा तो स्माइली आएगा, स्माइली आएगा तो इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, और अगर आप क्लॉकवाइज मूवमेंट लेते हैं तो वो हॉगिंग हो जाएगा, बेंडिंग मूवमेंट हॉगिंग पोर्शन हो जाएगा, तो इसलिए ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो फिलहाल इतना ही, आगे जाके हम सिंपल न्यूमेरिकल यही साइन कन्वेंशन से राइट साइड से देख के सॉल्व करने वाले हैं। आपको अगर पसंद आता है तो कमेंट में लिखो, लेक्चर 3 के लिए अगर ये कर रहे हो तो। थैंक यू, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो।